हमें पता चला है कि आप बड़ी अच्छी मिमिक्री करते हैं। आपको पता चला है? हाँ। तो अब बताइए कि आप किसकी मिमिक्री करना चाहेंगे, अली जफर या फहद मुस्तफा? यार फहद मुस्तफा की तो मुझे नहीं लगता कि कोई, मतलब आई लव हिम, ही इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पीपल वी हैव इन द कंट्री, लेकिन फहद की कोई मिमिक्री मुझे नहीं लगता कि कर सकता है। I think he's too original for that. Okay. But Ali Zafar, जो मेरे मेरे आइडल रहे हैं, अभी भी हैं, I mean, he's always been a role model to me when I was in college. तो कॉलेज में हम ऐसे ही कभी कभी एक ऐड आया था, तो उसमें अली कहते हैं कोई है जो ट्विस्ट करा दे, वहां से ये क्या बात है शुरू हुआ। और थोड़ी सी और करें, जरा गाना गा देते हैं एक थोड़ा सा। अच्छा, हाँ हाँ, क्यों अली की तरह? हाँ बिल्कुल। अरे वाह, ये बहुत किया है मैंने। झूठी कहानी रो रो सुनाने हमसे ना होगी ऐसी नादानी है, चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे उस वक्त नया नया गाने का शौक हुआ था और दो ही लोग थे जो गाते थे उस वक्त, बहुत ही मशहूर थे। नहीं, बहुत सारे सिंगर्स मशहूर थे, स्पेशली व्हेन आई वाज इन कॉलेज, पर एक और आवाज है जिसे हम कॉलेज में एंट्री मारने थे कॉन्सर्ट में, तो हम वैसे हम बहुत थोड़ा सा और गा दीजिए। दूर जितना भी तुम मुझसे वास्दर मैं, ओ आरसी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा ही नहीं है, अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमान। हम जज्बाती नहीं करेंगे आपको, कॉलेज के वक्त याद नहीं कराएंगे, तो फिर हम आपसे गाने कैसे गवाएंगे? अच्छा जी, अब ये बताइए कि ये तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि हिना को अगर आप कोई गाना डेडिकेट करेंगे तो अपनी आवाज में या इन दोनों में से किसी की आवाज में? मेरा एक गाना रिलीज होने वाला है, दैट काइंड ऑफ एक्सप्लेन्स इट, पर मैं वो नहीं गाना चाहूंगा हिना के लिए। आई थिंक जब लोग सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि क्या चल रहा है। ओहो, मार्केट में चल रहा है, मार्केट में क्या आने वाला है। इट्स वेरी, इट्स अ लव सॉन्ग, बट इट हैज अ सैड एंडिंग, आई डोंट वांट अ सैड एंडिंग इन माय लाइफ। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, सो बट द सॉन्ग इज प्रीटी रोमांटिकली। नाराज हुई हो और आपने उसे गाना गा के मनाया? क्या सैडली हिना को मेरा घर में गाना गाना खास पसंद है नहीं, क्योंकि मैं बहुत गाता रहता हूँ हर वक्त ही, या सो वो मुझे लगता है कि थोड़ा ओवरडू हो जाता है। अच्छा, अगर आपको अपना प्रोफेशन चेंज करना होता तो आप क्या बनना चाहते? आई थिंक मैं कुछ भी बन जाता, पर बनता इस इंडस्ट्री के अंदर ही। हाँ, लेकिन मेरी ऑप्शंस तो सुन लेना, शेफ बनते, क्या नाम है, कॉमेडियन बनते, या फिर आप पॉलिटिशियन बन जाते? नहीं नहीं, पोप। आई थिंक मैं शेफ ही बनता। शेफ ही बनते? आई थिंक सो। कंफर्म? या तो क्योंकि इस इंडस्ट्री में तो नहीं है। क्या आपके ऑप्शन में नहीं था, वरना मैं 100% मैं कुछ ना कुछ यही करता मैं। ओके ओके ओके। अगर जिंदगी से कोई एक चीज आपको हटानी हो, एलिमिनेट करनी हो, तो व्हाट वुड दैट बी? मेकअप, एक्टिंग, सिंगिंग, शादी? मेकअप। मेकअप तो परमानेंट मेकअप करेंगे। वेरी वेरी इजी ऑप्शन। नहीं, मैं वैसे ही, मुझे नहीं लगता मर्दों को ज्यादा मेकअप की कोई सूट भी नहीं करता, जरूरत ही नहीं पड़ती है। मेरा ख्याल है तो औरतों को भी अंडर आई कंसील हो जाता है, तो मैं फ्री हो जाता हूँ उस काम से, तो मुझे लगता है मेकअप कैन बी स्किप्ड इजीली। इजीली, ओके। चलो, जब जिंदगी में मतलब एक चीज एलिमिनेट करनी हो तो मेकअप को एलिमिनेट कर सकते हैं आप। अच्छा, अगर सुबह उठे और आपको पता चले कि अचानक $10 million आपके अकाउंट में आ गए हैं, तो आप
सबसे पहला काम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर वन, वेकेशन प्लान करेंगे, पैसे विड्रॉ कराएंगे जल्दी जल्दी, या ख्वाब समझ कर दोबारा सो जाएंगे? ख्वाब समझ कर दोबारा तो मैं नहीं सोऊंगा, उठेंगे, शक है मुझे कि कहीं मैं दोबारा उठूं और ऐसा ना हुआ ना हो तो और विड्रॉ भी मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि $10 million कैश का मैं क्या करूंगा। अच्छा, तो आई थिंक कि मैं कुछ ऐसा ही करूंगा कि कोई हॉलिडे प्लान करूंगा या कुछ खरीद लूंगा या हाँ, मतलब हॉलिडे प्लान करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे फौरी तौर पर। हाँ, राइट, ओके, मैं जहां हॉलिडे करने जाऊंगा वो होटल खरीद लूंगा मैं। अरे वाह, कुछ ऐसा शायद। अच्छा, किसके ऑपोजिट आप एक्टिंग प्रोजेक्ट नहीं करेंगे इन तीनों में से, एमन खान, यमुना ज़ैदी, किंजा हाशमी? एमन खान, यमुना ज़ैदी एंड किंजा हाशमी मैं किसी के साथ भी कर लूंगा। लेकिन अब तीन ऑप्शंस दिए ना, अगर इनमें से ये चॉइस करना है कि किसके साथ पहले करूंगा, नहीं किसके साथ पहले नहीं, किसके साथ नहीं करेंगे, यार देयर इज नो रीजन टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक एमन इज नॉट एक्टिंग, सो यू कैन, बट इफ शी वुड एवर वांट टू मेक अ कमबैक एंड आई गेट अ चांस टू बी विद हर, आई विल बी मोर देन हैप्पी बिकॉज़ एमन एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। ये करना किया है कि किसके साथ, कोई और डालो ना ऑप्शन में, फिर अभी तीनों अच्छी लड़कियां, मैं क्या करूं, अभी कोई रीजन ही नहीं बनता। फिर जब मैं कोई और डालूंगी तो तुम कहोगे ये कोई बुरी है क्या, यार इन तीनों में से किसी एक का ले दो, मेरे ऊपर डाल देना है इल्जाम। नहीं, मैं आप पे इल्जाम भी क्यों डालूंगा? Oh my God, Anna, I need one option. But there पीछे इतने लोगों के options तुमने दिए हैं। मैं एक, see, Eamon एक, is not working, एक इत्तफाक, एक इत्तफाक की बात बताता हूँ मैं आपको। Okay. मैंने किंजा के साथ भी काम नहीं किया अभी तक। Okay. इत्तफाक है कि यमुना के साथ भी काम नहीं किया है और एमन के साथ भी काम नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा, मेरे पास रीजन तब हो सकता है जब मैंने किसी के साथ काम किया हो, मैं जानता हूँ कैसा हो, अब काम ही नहीं किया है तो मुझे नहीं पता है कि हाउ वुड दे बी। कितना बड़ा रोंदू है ये, नहीं बट सीरियसली एक तो बता दो यार, मतलब आपके सवाल में गलती है। यार मेरे सवाल में गलती नहीं है, लेकिन क्योंकि गलतियां ढूंढ ही रहे हैं तो हम ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक। यू डोंट गो एनीवेयर, वी आर कमिंग बैक। चॉकलेट टाइम्स और मैं मौजूद हूँ आपके साथ और आपके सामने, और मेरे साथ मौजूद हैं आगा अली और बाकी मेरी टीम भी मौजूद है, लेकिन 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 आगा ने हमें इतनी बातें सुनाई हैं, इतनी बातें सुनाई हैं कि हमारे कानों से धुएं निकल गए हैं। आगा इतनी बातें तो सुना ली हैं, अब गाना भी सुना ही दें। जरूर जरूर, क्यों नहीं क्यों नहीं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊँ कि आगा लिप सिंक नहीं करते, लिहाजा वो लाइव गाने वाले हैं। Yeah, I think lip sync में मजा नहीं आता है। मजा और जब इतने fantastic musicians हो तो फिर आप yes. क्यों live नहीं गाएंगे? तो मेरी एक बहुत ही खूबसूरत memory है, एक project है, खुदा देख रहा है। Okay. और बहुत ही lovely है, मतलब कि सज्जल with me and सादिया जी, सादिया जब्बार। Okay. उन्होंने वो प्रोड्यूस किया था। Right. तो उसका जो OST था, I composed that, wrote that and sung that. Wow. तो अगर आज, अब तो काफी साल हो गए, तो थोड़ा सा उसकी याद ताजा की जाए। आइए खड़े हो गए जी, बिल्कुल बैठ के, नहीं यार खड़े हो के गाए। अखियां नम नम होई आज वे लेगा कोई मेरा जिया, पुछ पुछ मैं थक गई आ किस गल दी सजा मैनू देवे खुदा, हर बारी कहंदे मेरा कसूर मैं जाना केड़े पासे मैं ता जाना ही ना, हर बारी जावा हार मैं मंगा मेरा प्यार मैं किदा किदा तरला करा, दस दस कि मैं यार मनावा, दस दस में मैं केड़े पासे जावा, अपने जे हुण देर में खैर किवें मंगाना अपने यार दिया, दस दस अज की ये खता मेरी काथों की किसंदड़ी तू जवा मेरी, अपने ने सारे देर में खैर किवें मंगाना अपने यार दिया, किवें मंगाना अपने यार दिया।
लेकिन कृष्णगी रह गई मेरी भी और बैंड की भी, तो अब कुछ और। पेट नहीं भरा आप लोग? नहीं, कुछ और सुनाइए। फेवरेट वर्स ये, टू बी ऑनेस्ट, मेरे दिल को बहुत लगा था ये जब मैंने गाया था, अल्लाह का शुक्र अब नहीं लगता। सो ही वाज लाइक अकेले मैंने रो रो के पल पल गुजारा, मैं तड़पा हाँ मैं तरसा, तूने फिर भी कभी ना पुकारा, गहरी तन्हाई है साथ में अब मेरी, बातें कर लेता हूँ खुद से मैं अब तेरी, तूने मेरी जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द बहुत शुक्रिया।